उधर सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया जो मास्क पहनने के बाद भी इंसान का चेहरा पहचान लेगा। ये सॉफ्टवेयर खासतौर पर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो मास्क का इस्तेमाल चेहरा छिपाने के लिए करते हैं, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। लेकिन अगर डीआरडीओ का बनाया प्रोग्राम कामयाब हुआ तो अब ऐसे अपराधी सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर एक खास तरह के एल्गोरिदम पर काम करेगा। जैसा किसी कंप्यूटर पर चेहरा डिजाइन किया जाता है, ठीक उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी चेहरा डिजाइन करेगा। मतलब ये कि चेहरे का जितना हिस्सा भी दिखाई दे रहा होगा, उतने हिस्से के सहारे बाकी का चेहरा एल्गोरिदम के सहारे डिजाइन किया जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि कोई अपराधी हो या आतंकी, वो किसी भी तरीके से नकाब के पीछे छिप नहीं पाएगा। अक्सर अपराधी सर्वेलेंस कैमरों से छुपने के लिए कभी नकाब का, कभी मास्क का, कभी नकली दाढ़ी या बड़े बड़े चश्मों का सहारा लेते हैं। मकसद होता है सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देना। लेकिन अगर डीआरडीओ का ये सॉफ्टवेयर कामयाब हो गया तो अपराधियों की ये चाल पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। इस तरह के सॉफ्टवेयर को किसी भी हाई सिक्योरिटी जोन में लगाया जा सकता है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों, बाजारों और चौराहों पर भी इस तरह के कैमरे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अपराधियों पर नजर रखने के लिए जिन सर्वेलेंस कैमरों का इस्तेमाल करती हैं, उनके साथ आमतौर पर एक डेटाबेस जोड़ा जाता है। अपराधियों और आतंकियों का ये डेटाबेस ही सर्वेलेंस की असली बुनियाद होता है, क्योंकि आमतौर पर जैसे ही कोई आतंकी या अपराधी किसी कैमरे में दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर अलार्म बजाकर एजेंसियों को सावधान कर देता है। रक्षा से जुड़ी ज्यादातर एजेंसियों को ऐसे कैमरे उपलब्ध कराए जा चुके हैं जिन्हें अपराधियों के डेटाबेस से जोड़ा जा सके। लेकिन हर तकनीक का तोड़ निकालने की कोशिश करने वाले अपराधी ऐसे कैमरों को भी चकमा दे रहे हैं। कोरोना महामारी के आने के बाद से ही लोगों से मास्क पहनने की अपील की जाती रही है। वायरस से बचने के लिए लोग मास्क पहने या न पहने, लेकिन अपराधी कानून से बचने के लिए मास्क जरूर पहनते हैं। माना जा रहा है कि डीआरडीओ का नया सॉफ्टवेयर ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित होगा। शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सेना के ठिकानों और संवेदनशील जगहों पर लगाया जा सकता है। हालांकि ये प्रयोग कामयाब रहा तो डीआरडीओ का ये प्रयोग सुरक्षा और सर्वेलेंस का भविष्य भी साबित हो सकता है।